गुड मॉर्निंग साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एम्स की सबसे पावरफुल बॉडी की 7th मीटिंग को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी जो एम्सेज हैं उनकी सबसे हाईएस्ट पावरफुल जो बॉडी है साथियों, वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट बॉडी। इसकी जो 7th मीटिंग है साथियों, वो कल 29 जुलाई को हुई है, और इससे पहले जो 6th मीटिंग थी साथियों, वो एम्स भुवनेश्वर में हुई थी। इस बार किसी भी एम्स में नहीं हुई है, एम्स से बाहर ये फैमिली वेलफेयर इंस्टीट्यूट के अंदर हुआ है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर जो एजेंडा इसमें इंक्लूड किए गए थे उसके बारे में हमने कल वीडियो में कुछ बताया था, लेकिन आज सब कुछ सामने आ गया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा साथियों, यहाँ पर इस बॉडी के द्वारा जो 6th CIB की मीटिंग हुई थी भुवनेश्वर में, तब एक बात बोली गई थी। बात यह बोली गई थी कि जो नोट सेट का जो एग्ज़ाम है, या फिर जो सेंट्रलाइज्ड जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होगा, उसको रोटेशन बेसिस पे करवाया जाएगा। तो इस मीटिंग में साथियों ये डिस्कशन हुआ है कि जो सेंट्रलाइज्ड जो एग्ज़ामिनेशन जो है, उसको रोटेशन बेस पे करवाया जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य में कहीं ना कहीं जो नोट सेट का एग्ज़ाम है, वो एम्स दिल्ली के अलावा भी अलग एम्स भी करवा सकते हैं। जैसे हो सकता है एम्स भुवनेश्वर को ये मौका दिया जाए, एम्स रायपुर को, एम्स पटना को ये मौका दिया जाए, तो ऐसा हो सकता है। ऐसा इस एजेंडा में मेंशन किया गया है। इसके अलावा साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर सबसे नीचे की लाइन देख पा रहे हैं, CIB की जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है सभी एम्सेज के लिए, किस किस मैटर में होती है ये कमेटी, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, वैकेंसी, रिक्रूटमेंट, ये देखिए साथियों, जितनी भी जो पॉलिसी बनती हैं, चाहे वो फैकल्टी के लिए हो, चाहे वो नॉन फैकल्टी के लिए हो, सभी प्रकार की जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं उनका भी जो निर्माण है वो CIB की मीटिंग में ही किया जाता है। लेकिन साथियों आपको बता दें कि यहाँ पर ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेके एक बार फिर नकारात्मक जो परिणाम है वो देखने को मिला है। मतलब ये हुआ कि ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर कोई भी डिसीजन नहीं किया गया है, कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं किया गया है, बल्कि टाइम को एक्सटेंशन दिया गया है। नेक्स्ट CIB की जो मीटिंग होगी, मे बी या टू बी इन नवंबर एंड दिसंबर, तो साथियों उसके अंदर हो सकता है कि जाके आगे कुछ हो सकता है, लेकिन अभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। इसके अलावा जो अपना एक यूनिवर्सल जो रूल आ रहे थे सभी जो एम्सेज हैं उन सभी के लिए, तो उसमें ज़रूर डिस्कशन हुआ साथियों। एक बार आपको हम जो पिछली CIB की मीटिंग हुई थी उसके ऊपर लेके चलते हैं। ये साथियों आप सभी के सामने है, जैसा कि आप सभी जानते हैं 8 जनवरी 2023 को ये मीटिंग हुई थी, और इसके अंदर जो एजेंडा 6-8 था और जो 6-4 था, उसके अंदर साथियों ये बात बोली गई थी, जैसा कि आपके सामने अभी दिखा देते हैं। इसमें क्या हुआ था, पिछली बार एक डायरेक्टर की टीम बनाई गई थी, जिसमें ये रिकमेंडेशन जो कमेटी ने दिया था उनको साथियों यहाँ पर माना गया है। और कमेटी ने क्या यहाँ पर साथियों रिकमेंडेशन दिया था वो आप देख लीजिए। जो इस मीटिंग में जो बात हुई है वो यही हुई है। इस बार कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेके बात नहीं हुई है, कोई अभी स्पेशल नथिंग हुआ है, 80-20 रिजर्वेशन को लेके भी साथियों कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मामला अभी भी कोर्ट में है, इसलिए कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिस्कशन इस पर नहीं हुआ है। जो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साथियों, जो सेंट्रलाइज जो सिलेक्शन है, जो कि ग्रुप बी और सी, इसके अलावा जो फैकल्टी और जो नॉन फैकल्टी है, नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो नॉन फैकल्टी में आती है, तो इन्होंने एक बार ये कहा था कि जैसे ही कमेटी ने जो रिकमेंडेशन हमें किया है वो अगर हम अप्रूवल कर देते हैं, तो क्या होगा कि जो रोटेशन बेसिस पे है वो एग्ज़ाम कंडक्ट आपका होने वाला है। तो साथियों देखने वाली बात यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट होगी कि जो इस मीटिंग का जो ये एजेंडा था, क्या इसके ऊपर अप्रूवल आया है। तो इसके लिए साथियों RTI के माध्यम से सूचना निकलवानी होगी, और वो जो प्रोसेस है वो 1 वीक के बाद अपन करेंगे। तो जैसे ही उसमें आ जाएगा तो एकदम क्लियरिफाई हो जाएगा कि जो यहाँ पर रोटेशन बेसिस की जो बात बोली गई है वो सही है या नहीं है, उस पर डिस्कशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सारी बातें आपको बताएंगे साथियों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को शेयर, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा साथियों सभी जो एम्सेज हैं, जो अभी 23 जो एम्सेज हैं ऑल इंडिया में रनिंग हैं, कुछ का काम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनमें साथियों यूनिफॉर्म या फिर सेंट्रल पॉलिसी आने वाली है। इसी सेंट्रल पॉलिसी का डिस्कशन है, जिसमें फरवरी में जब मीटिंग हुई थी तो ये बोला गया था कि जो डायरेक्टर की जो टीम बनाई गई है, 3 और 4 जो टीम है वो बनाई गई थी, उनको 2 महीने में रिपोर्ट सबमिट करनी थी। इसका भी जवाब हमारे पास आ गया है। तो इस मीटिंग का क्या हुआ है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर देंगे।
नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सेंट्रलाइज जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें डायरेक्टर ने क्या सजेशंस दिए हैं, वो आपके सामने हम डिस्कस करेंगे सारी डिटेल बाय डिटेल। वीडियो को शेयर, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए सही और सटीक जानकारी पाने के लिए। धन्यवाद साथियों।